हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको मकाई का चित्र बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए पूरे वीडियो साथ बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसका क्या करना है। आपको इस तरह से आकार बनाना है, ऊपर पतला रहेगा और नीचे थोड़ा सा मोटा रहेगा, इसको ध्यान रखना है। इस तरह से हल्का हल्का लाइन खींच लेंगे इस तरह, तो आकार सही बनेगा। तो इस तरह आपको ऊपर पतला नीचे मोटा थोड़ा बना देना है और इसे कई भाग में इसको डिवाइड कर लेना है। फिर उसके बाद उसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से मकाई के दाने को बनाना है, ऐसे सर्कल बनाना है। तो ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह आपको सर्कल बनाना है। तो ये सर्किल जो गोला बनाया गया है एकदम गोल नहीं है, थोड़ा सा चौकोल टाइप है, आयताकार, और इसमें कोण नहीं है, तो आपको हल्का सा गोलाई रखना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको उसको पूरा बनाना पड़ेगा। इस तरह से आराम से उसको, ऊपर दाने छोटे हैं नीचे बड़े होते चले गए हैं, आपको ऐसे करना है। तो ऐसे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको ऐसे ही आपको बनाना है। इस तरह लाइन खींच बनाएंगे तो दाने सब बराबर होंगे, अच्छे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा आ रहा है, ऐसे आपको बनाना है। ये देखिए पूरा हो गया है। उसके बाद पत्ती बनाने के लिए आपको पत्ती मकाई से छोटी नहीं बनाना है, मकाई के बराबर बना सकते हैं, उससे थोड़ा बड़ी बना सकते हैं। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आपको इसमें लाइन खींच देना है, ऐसे तो चित्र अच्छा लगेगा। तो ऐसे आपको बनाना है। हम आपको बताते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे चित्र बने हैं जो हाई स्कूल इंटर से संबंधित हैं और बहुत अच्छे बनाए गए हैं। आपको हमारे चैनल पर हर तरह के चित्र मिल जाएंगे, आपको चाहे आलेखन हो, चाहे अस्मित हो, चाहे प्राकृतिक चित्र हो, आपको हर तरह चित्र मिल जाएंगे। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो ये देखिए हमने आकार लगभग बना दिए हैं, बस थोड़ा सा पत्ती रह गया है। तो पत्ती को आपको ऐसे बनाना है, देखो ऐसे बनाया गया है, लग रहा है कि मकाई के दाने जो अंदर है पत्ती ऊपर है, ऐसे आपको बनाना है। ये देखिए आकार जो है कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद इस दानों के बीच में एक दाना दूसरे दाना के बीच में जो थोड़ा गैपिंग है, ये देखिए जो भी हम शेड कर रहे हैं, डार्क में कर रहे हैं, ये पेंसिल चारकोल की है। तो इस तरह से आपको दाने के बीच में जो थोड़ा सा गैपिंग जगह बची हुई है, आपको इस तरह से डार्क शेड कर देना है। तो इस तरह देखिए जैसे हमने कर रहा हूँ, दो एक दाना दूसरे दाने के बीच में हल्का सा गैपिंग है, उसको ऐसे काला कर देना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा दाना दिखने लगा। उसके बाद जितने भी मकाई के दाने बने हैं, आप सभी दानों को आपको नीचे साइड हल्का सा शेड करना है, ऊपर साइड छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से आपको शेड करना है। देखिए एक साइड से हमको शेड किया गया है, यानी कि आपको हर दाने में नीचे साइड सेट करना। उसके बाद ये देखिए ब्लेंडिंग स्टंप है, तो इस जो है ब्लेंड करने के लिए आपको पतला ब्रश यूज कर सकते हैं, कोई कॉटन का यूज कर सकते हैं। तो स्टंप है ये, तो ये देखिए इस तरह से आपको हल्का सेटिंग कर देना है। इस तरह से चित्र अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे सभी दाने को आपको शेड करके इस तरह आपको उसको ब्लेंडिंग कर देना है। तो उसके बाद थोड़ा सा और नीचे डार्क शेड देने के लिए दोबारा एक बार हम फिर से इसको लेयर लगाएंगे। देखो डार्क हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रश से इसको हम हल्का से शेडिंग कर दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगने लगा। ये देखिए कंप्लीट एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो इस तरह आपको बनाना है। पत्तियों में भी आप ध्यान दीजिए, पत्तियों में कैसे शेड करना है, बस थोड़ा सा जो लाइनिंग डिवाइड किया गया है आपको धीरे धीरे हल्का हल्का शेड कर देना है। इधर पूरा पूरा शेड नहीं करेंगे, बहुत बच्चे क्या होते हैं पूरे पत्ते काला कर देते हैं या पूरे को व्हाइट कर देते हैं, ऐसा नहीं। आपको ध्यान रखना है प्रकाश, छाया प्रकाश में कहाँ पड़ेगा शेडिंग, आपको वैसे भी करना है। यानी कि आपको जैसे लाइन किया गया है, हल्का किनारे किनारे आपको शेड करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, उससे आपको उसको शेडिंग करना है। ये देखिए आपको पूरे वीडियो को आराम से देखिए, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा और स्टेप बाई स्टेप बाय पूरा हमने करके दिखाया है। इस तरह से आपको, तो मैं बता दूँ कि ये जो पेंसिल यूज कर रहे हैं ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल होती है, जो ये मीडियम ग्रेड की है। ये देखो दिख रही है, ये येलो कलर के इसमें ऊपर लगा हुआ है कलर। तो ये जो है येलो कलर की जो होती है वो मीडियम होती है, और ब्लू में जो होती है वो शार्प होती है, और रेड में होती है वो हार्ड होती है। तो ये तीन ग्रेड की पेंसिल्स भी आती हैं। तो ये जो मीडियम कलर पेंसिल थे, तो ये स्टम्प है, इसे जो हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, इस तरह से आपको मिक्स करते हैं तो चित्र काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह आपको भी करना है। तो आप ब्रश से भी शेडिंग कर सकते हैं, कॉटन का भी, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, आपको उसको शेडिंग ऐसे कर सकते हैं। और अब इसमें हम जो शेड कर रहे हैं ये कैमलिन की सॉफ्ट जो पेंसिल होती है, तो ये सॉफ्ट पेंसिल है। थोड़ा सा और डार्क शेड देने के लिए इसको हम आगे फिर से एक लेयर लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा डार्क हो जाए तो अच्छा लगेगा। इसलिए देखो चित्र काफ़ी अच्छा बन गया है।
तो इसी तरह से आपको भी शेयर करना है। हम आपको बताते हैं कि हमारे चैनल पर पॉलिटी वीडियो आपको मिलेंगे, वो भी एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके बनाया गया है। आप एक बार जाकर चैनल चेक करिए, आपको सारे चित्र बहुत पसंद आएंगे। जो भी हमारे चैनल जुड़े होते हैं उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है और अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको कंप्लीट बनाना है, चित्र काफ़ी अच्छा बन गया है और देखिए कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्ट वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय।